क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी एडिक्टेड लोग हैं who can have sex 5 times a day and still feel unsatisfied? Rebecca, look, how many times a day? That's what we're asking. At least 5. और obviously बहुत से youngsters भी इस पर comment करते हैं कि how they can leave masturbation और porn addiction, क्योंकि इसके बहुत से side effects हैं. Gary Wilson अपनी book Your Brain on Porn में लिखते हैं, कई साल पहले porn was limited क्योंकि content सिर्फ magazine में था, but अब internet की वजह से regulate करना difficult हो गया है और जिसकी वजह से लोगों में कम energy है, स्ट्रेस एंग्जाइटी ज्यादा है और कम फोकस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और पॉर्न एडिक्शन से बचने का एक फेमस तरीका है नोफैप। एक्चुअली नोफैप फेमस हुआ था reddit.com पर 2011 में। किसी ने रेडिट पर एक रिसर्च पेपर शेयर किया था जिस स्टडी में दिया गया था कि 7 दिन तक मास्टरबेट ना करने से मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल 45.7% तक इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू किया और रेडिट पर नोफैप की एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन गई क्योंकि लोगों को बहुत फायदा हो रहा था, जैसे कि फोकस इंक्रीज होना, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप एक्सेट्रा। कई लोग नोफैप को स्यूडो साइंस मानते हैं, लेकिन जिन्हें इसका फायदा हो रहा है वो इसे बाकी लोगों को भी रेकमेंड करते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप आता है रीबूट, यानी इसमें हम डेज डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे, 30 days, 60 days एक्सेट्रा। इसके लिए कम्युनिटी वाले काफी चीजें रेकमेंड करते हैं, जैसे कि 1 पॉर्न ब्लॉकर यूज करना, qstudio.com, k9webprotection.com, esafely.com, opendns.com ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं पॉर्न ब्लॉक करने के लिए। ओपन डीएनएस में 3 मिनट लगते हैं कुछ चेंज करने के लिए। तो अगर इमोशनली हम दोबारा इस चीज में इंक्लाइन होते हैं और सर्विसेज ऑन करने का दोबारा हमारा मन करता है, तो हमारे पास 3 मिनट होंगे अपने को रिलैक्स करने के लिए और दोबारा से पॉर्न कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। इसके अलावा जब भी पॉर्न एडिक्शन हम पर हावी हो जाती है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या अपनी हॉबी पर टाइम गुजार सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट आती है कि थिंकिंग रीडिंग बुक्स इज अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। बर्क हेजेस अपनी बुक रीड योर वे टू रिचेस में कहते हैं कि कौन सी बुक हमारे साथ कनेक्ट कर जाए कुछ कह नहीं सकते, और किसी एक बुक का एक सेंटेंस हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीमेंट एक सिंपल सेल्समैन थे और उन्हें अपनी कमियां पता थी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें नहीं आती, लेकिन फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बुक रेकमेंड करी, थिंक एंड ग्रो रिच, और कहा कि इसे पढ़ो। क्लीमेंट कहते हैं कि इस बुक का एक कॉन्सेप्ट बस मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया और वो था क्रिएटिंग मास्टरमाइंड, यानी एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ जिसमें हम मिलकर कुछ साथ सोच सकें। क्लीमेंट कहते हैं कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना तो मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मुझे समझ आ गया था कि जिन चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ उन चीजों के लिए मैं औरों को हायर कर सकता हूँ। इसके बाद क्लीमेंट ने एक्शन लिया और एक मिलियनेयर बिजनेसमैन बने। सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑथर के साथ हुई जब उन्होंने ऑग मेंडिनो की बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड पढ़ी। तो अगर आप एक्चुअली बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हिंदी में फ्री में 150 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग थिंक एंड ग्रो रिच एंड द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। ये बुक दोनों iOS एंड एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप बुक्स की नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट बैड हैबिट आती है इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो 21 साल में अपने पुअर डैड से डबल पैसे कमा रहे थे, जो कि एक PhD थे और अपने स्टेट में एजुकेशन के हेड थे। उनके हाईली एजुकेटेड डैड को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो ऑनेस्ट थे और उन्होंने गवर्नर के खिलाफ कुछ कह दिया था। जॉब से निकालने के साथ साथ उनकी पेंशन भी रोक दी गई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लूज कर दी। इस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी की डैड की एज 53 थी। उनके पास एकेडमिक एजुकेशन तो पूरी थी लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन 0 थी। इस एज में उन्होंने बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के अपने 2 कलीग्स के साथ मिलकर एक फ्रेंचाइजी खरीद ली। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रियल डैड को बताना चाहते थे कि वो गलत तरीके से फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और वो ठीक नहीं है, और वैसे भी वो एज एन एम्प्लॉई एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके डैड ने उनकी बात नहीं सुनी और 6 महीने में ही उनका फ्रेंचाइजी का बिजनेस फ्लॉप हो गया। रॉबर्ट कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों की, कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन से मिक्स कर देते हैं और फाइनेंशियली एजुकेट होना ही नहीं चाहते, और उनके इस एटीट्यूड की वजह से पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो गीगल एप्लीकेशन में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी बुक्स हैं। एनीवेज, नेक्स्ट बैड हैबिट आती है सेइंग यस टू एवरीथिंग, यानी खुद की और अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज को भूलकर हर चीज को यस कहते रहना। रॉबर्ट ग्लोवर अपनी बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में कहते हैं कि कई लोगों को ये नाइस गाय सिंड्रोम होता है, जिससे वो ये इमेज सबको बताना चाहते हैं कि वो सबकी केयर करते हैं, वो हर चीज को यस बोलेंगे, और बाद में जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 30 साल का जेसन अपनी लाइफ से दुखी है और वो हर काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उसके फ्रेंड्स उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बार अपनी वाइफ की काम में हेल्प करने के लिए उसने सारा घर साफ कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ आई,
जेसन कहते हैं कि उनकी वाइफ ने ये नहीं देखा कि वो सारी चीजें साफ कर चुके थे, बस एक चीज साफ नहीं करी थी और वो था सिंक, और सिंक ना साफ करने की वजह से वो उन पर चिल्ला पड़ी। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे क्लिनिक में आते रहते हैं और ये वो सारे लोग हैं जो नाइस दिखने की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बेस्ट ये है कि ऑनेस्ट बनो, नाइस नहीं, अपनी प्रायोरिटीज को भी इम्पोर्टेंस दो, वरना तुम्हारी इन क्वालिटी की वजह से तुम्हारे परिवार को भी सफर करना पड़ेगा। अगर आप इस सिंड्रोम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप रॉबर्ट ग्लोवर की ऑसम बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट कहती है स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल। इमेजिन कीजिए कि आपको बोट से कहीं पर पहुंचना है, दो लोग आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपनी बोट ऑफर कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ आओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाओगे। पहला इंसान अपनी बोट समुद्र की लहरों के ऑपोजिट चलाना चाहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी बोट उसी डायरेक्शन में चलाना चाहता है जिस डायरेक्शन में लहरें चल रही हैं। अब आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो भी जल्दी। आप थोड़ा सोचो और मुझे ये बताओ कि आप इन दोनों इंसान में से किसके साथ बोट में जाओगे। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि तो बहुत आसान है, हम तो दूसरे इंसान के साथ ही बोट में बैठेंगे क्योंकि वो लहरों के साथ मूव कर रहा है, और आप ठीक भी हैं। लेकिन इस हाइपोथेटिक एग्जांपल का पॉइंट ये है कि रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें किन लोगों की कंपनी रखनी चाहिए। अब जो लोग नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है इमोशन से लड़ने के लिए और अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और केली मैकगोनिगल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट या बेंजामिन हार्डी की बुक विल पावर डजंट वर्क हमें सिखाती है कि विल पावर परमानेंट नहीं है और ये कम ज्यादा होती रहती है, और इसीलिए हमें से कई लोग पूरी जिंदगी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ बहुत ही गोल ड्रिवन पॉजिटिव इंसान है तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएंगे तो भी हम अपने आसपास वाले लोगों की एनर्जी से अपने गोल की तरफ जल्दी पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क क्यों साउथ अफ्रीका को छोड़ के अमेरिका चले गए, या फिर चाइना के बिजनेस खोलने के लिए जैक मा बार बार सिलिकॉन वैली जाते थे? इवन कुणाल शाह क्यों बेस्ट लोगों से मिलने के लिए सिलिकॉन वैली चले जाते हैं और फिर इंडिया में आके बिलियन डॉलर बिजनेसेस खोलते हैं? उसका रीजन यही है कि सब खुद से इंटेलिजेंट लोगों के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं और उनके थॉट से सीखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि एटॉमिक बुक हैबिट्स में कहा गया है, योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। सो इसे याद रखो दोस्तों, लहरों के ऑपोजिट मत भागो। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट आती है बींग अ काउच पोटैटो, नॉट मूविंग एंड थिंकिंग दैट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेपरविले हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लास से जस्ट पहले एक्सरसाइज करवाई गई ताकि उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो 170 बीट्स पर मिनट के आसपास, जबकि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लास से पहले सोने दिया गया। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को शुरू में एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था। कई गर्ल स्टूडेंट्स ने कम्प्लेन किया था कि एक्सरसाइज करने से उनसे स्मेल आती है, लेकिन जब एक्सरसाइज के बाद ग्रुप ए का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लिया गया तो उनका स्कोर 17% से इंक्रीज हुआ, जबकि ग्रुप के लोगों का स्कोर 10% से इंक्रीज हुआ। डॉक्टर जॉन जे रैटी अपनी बुक स्पार्क हाउ एक्सरसाइज विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए ब्रेन में कहते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। 1990s में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर वो पेट्री डिश में ब्रेन सेल्स के ऊपर BDNF डालते हैं तो उन ब्रेन सेल्स की नई ब्रांचेस निकल आती हैं और उनकी वही स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है जो लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज से हमारी लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव हैबिट जिससे हमें बचना है वो है फूड एडिक्शन, यानी बार बार खाने का मन करना जिसकी वजह से मोटा हो जाना। ब्राइट लाइन ईटिंग बुक की ऑथर डॉक्टर सुजन पियर्स थॉमसन कहती हैं कि यूसी बर्कली यूनिवर्सिटी से कॉग्निटिव साइंसेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने PhD की। इन सब के चक्कर में मैं कब एक नॉर्मल इंसान से एक मोटी औरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला, और वेट गेन होने से सब कुछ मुश्किल होने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को आमिर ने अपनी मूवी दंगल की ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिस्क्राइब किया है। You know, your breathing changes when you put on weight. Your whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up. Susan कहती है कि weight lose करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं psychology की professor होने के बावजूद खुद की psychology को क्यों control नहीं कर पा रही। इसके बाद Susan ने eating की psychology के ऊपर बहुत research करी और existing research भी पढ़ी कि कैसे हम अपने weight को control कर सकते हैं। अपनी high paying job छोड़ के इन्होंने book भी लिखी Bright Line Eating, और अब ये बहुत से paid courses भी offer करती है कि हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस बुक की वन लाइन समरी बताऊं तो 4 लाइंस हैं जिन्हें हमें कभी क्रॉस नहीं करना है, और वो ये है कि हम शुगर डायरेक्टली नहीं ले सकते, फ्लोर यानी आटा नहीं खा सकते, इसके अलावा प्रॉपर मील्स लेनी है और वो भी प्रॉपर क्वांटिटी में। मेरे नोन है जिन्होंने इनका 14 डेज का पेड प्रोग्राम किया था, जिसमें बेसिकली उन्हें ये बताया गया है कि 14 दिन तक स्पेसिफिक मील्स खानी है और उन 14 दिन तक कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी। शुरू में एक्सरसाइज करने से विल पावर खत्म हो जाती है और फिर डाइट कंट्रोल नहीं हो पाती। एक बार डाइट कंट्रोल करने की हमें हैबिट हो जाएगी तो फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो आपको कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनकी बुक भी खरीद सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक आमिर खान को भी ये नॉलेज दी गई होगी उनके डाइटिशियन के द्वारा। इतनी भी कसरत कर ले अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं ताकि ब्रेन में ये सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि पॉर्न एडिक्शन से रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं और इससे बचने के लिए एक सोल्यूशन है नोफैप, यानी खुद को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दो 30 या 60 डेज के लिए। हमने ओपन डीएनएस, क्यू स्टूडियो जैसी वेबसाइट्स के बारे में भी बात की थी। नेक्स्ट बैड हैबिट थी ये सोचना कि बुक रीडिंग करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एक कहावत है कि इफ यू एनकाउंटर अ मैन ऑफ रेयर इंटेलेक्ट वी शुड आस्क हिम व्हाट बुक्स ही रीड्स, यानी अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन आपको मिले तो उससे पूछो कि वो कौन सी बुक्स पढ़ता है, क्योंकि उन्हीं बुक्स को पढ़ के हम भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट थी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की केयर ना करना। इसमें हमने रॉबर्ट कियोसाकी के डैड की बात की थी कि कैसे वो अपने स्टेट के एजुकेशन के हेड थे लेकिन फिर भी एंड में उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और मरते समय पैसों की बहुत दिक्कत हुई। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बैड हैबिट हमने देखी थी सेइंग यस टू एवरीथिंग। इसमें हमने देखा था कि सबको खुश करने के चक्कर में हर चीज को हाँ मत बोलो और खुद की प्रायोरिटीज भी सेट करो। ट्राई टू बी अ ऑनेस्ट मैन, नॉट अ नाइस गाय। नेक्स्ट हैबिट थी स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल, यानी अगर हम कॉन्शियसली अपने फ्रेंड्स नहीं चूज करेंगे और नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहेंगे तो हमें अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और शायद गोल अचीव ना भी हो। और ये वैसे ही है जैसे कि हम बोट लहरों के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था बींग अ काउच पोटैटो, जिसमें हमने देखा था कि एक्सरसाइज से ब्रेन में बीडीएनएफ रिलीज होता है जिससे कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ती है। और नेक्स्ट हैबिट थी फूड एडिक्शन। इसमें हमने ब्राइटलाइन ईटिंग बुक की बात करी थी कि डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमें सुजन थॉम्पसन के अकॉर्डिंग शुगर और फ्लोर यानी आटे को अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ एक्चुअल में एक्शन लेने से पहले हमें हमारे डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।